गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास 8 की NCERT मैथ इस समय हम पढ़ रहे हैं और आज आपका पार्ट नंबर 47 होगा। 47 नंबर क्लास होगी, एक्सरसाइज होगी 11.2, जिसमें हम लोग देखेंगे समलंब और समचतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके बिल्कुल आसान तरीके से सवालों का हल। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर एक क्लास मिल सके। जितने छात्र छात्राएं नए हैं तुरंत कर लें। चलिए, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है इस सवाल में। कहता क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना क्या क्या दिया गया है। मित्रों, इसमें एक समलंब का एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है मतलब हाइट दिया है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दी गई है 10, तो दूसरे की लंबाई पूछा गया है। मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि एक कोई भी आप समलंब बना लीजिए, जैसे आप जानते हो ना, ऐसे ये देखो, ये समलंब है, ठीक है। क्या है ये, एक समलंब है। तो ध्यान देना, जैसे कहा जाए कि इसकी, कह रहा है एक की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, इसको निकालना है, मान लो ए है, ठीक। इसकी ऊंचाई मतलब ये दिया गया हाइट कितना दिया है, देखो कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, अंजाद के ही बताया जा रहा है। तो ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है, मतलब ये वाली भुजा को निकालना है। और हाँ, ध्यान देना, इसमें एक और चीज़ दी गई है, ये पूरे का एरिया भी दिया गया है। तो चलिए एरिया का फार्मूला लगा करके रख देते हैं। आप जानते हो कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और दोनों भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। तो साथियों मान रख दो जल्दी से, 34 दिया है एरिया, 1/2, और ए का मतलब 10 और बी का मतलब कुछ नहीं दिया, एच का मतलब 4। चलो 34 आप जानते हो, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल करोगे 20 और ये 2b हो जाएगा। यहाँ से अगर आप फाइनल करोगे तो ये 34 माइनस 20 इक्वल बी, और ये एक मिनट देखना थोड़ा सा, 2 जब इधर आएगा भाग के तो नीचे हो जाएगा, मतलब फाइनल में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये 14/2 आएगा बराबर बी आएगा, यानी कि बी का जो वैल्यू आया 14/2 आया, और 14/2 का मतलब आप जानते हो क्या होगा, 7 होगा, है ना, क्या होगा, ये 7 होगा। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो उसकी जो दूसरी भुजा थी क्या थी, वो 7 सेंटीमीटर, लिख लेना 7 सेंटीमीटर, ठीक ना, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, साथ में लिखते जाना। चलिए नोट करिए, जल्दी करें, नोट करें, दूसरा सवाल इसमें का होमवर्क होगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। देखिए, सवाल लिखने का टाइम ना वेस्ट हो, इस वजह से हम आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा देते हैं, टाइम नहीं लेते आपका, है ना। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो, आपके सामने है। कह रहा कि एक किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, विकर्ण दिए गए हैं जो कि 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। आपको पता है इस तरह के सवालों को ऐसे करते हैं, समचतुर्भुज के, या फिर ऐसे लिखो सीधा फीधा, का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए हों तब क्या होता है, पता है, 1/2 इंटू डी वन और इंटू डी टू, मतलब 1/2 और उनके विकर्णों का गुणा कर देते हैं, बस यही आंसर हो जाता है। और इस तरह से आपका 1/2 इंटू 7.5 इंटू डी टू का मान है 12, काट दोगे तो 6 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 3 × 45.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अब आप समझ गए होंगे, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आना चाहिए, विकास क्षेत्रफल है ना,
45 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, क्या आया 45। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे चलते हैं तुरंत, ठीक ना। अगला देखना, एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको भी नोट करना, हमारे साथ साथ लिखना इसको, अब हम आपके सामने ही लिखेंगे। लिखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को लिखिए, वीडियो को पीछे करके लिखिए नहीं लिख पाए तो। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है 11.2 का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर हो। जिसकी भुजा, भुजा मीन साइड, क्या हो 6 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर हो। यदि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और आगे लिखो, यदि पहले विकर्ण की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। ध्यान देना और कोशिश करना कैसे क्या होगा, बहुत ही मतलब से समझना। साथियों, कह रहा कि एक समचतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है, इसे आपको समझना है। हाँ, कैसे होगा समचतुर्भुज, मतलब एक प्रकार से इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, है ना। और जैसे कि कह रहा है कि इसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, मतलब सभी 6-6 होंगी, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, आप लोग इनको बनाइए, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। इनके जो विकर्ण हैं, ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। अब कह रहा कि इसमें पहले का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर कौन है ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैंने एक को लिख दिया, ठीक। और इसमें एक बात और कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा कि शीर्ष लंब तथा शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब का मतलब जानते हो क्या होता है, अरे यही इसमें, ये जो यहाँ पर आके ये लंब हो रहा है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। कितना है 4 सेंटीमीटर है। आप जानते हो वृत्त के अकॉर्डिंग अगर ले लो तो केंद्र जो है, व्यास जो है दूना होता है त्रिज्या ही होती ना, तो वैसे यहाँ पर व्यास और त्रिज्या तो नहीं, लेकिन अगर ये पूरा 8 है तो ये क्या होगा, इतना 4 होगा, या इसे यहाँ भी लिख सकते हो ये इतना का 4 कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो बस इतना मिल गया। अब आप आगे देखो फिर क्या होता है, अब लिखो त्रिभुज ए ओ डी, ध्यान देना ए ओ डी का है आ रहा, पता है ए बी सी और डी ये नाम है, ठीक। बीच में जो लिखा गया है मूल बिंदु पर ओ है, अब ध्यान देना त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में क्या होता है, या फिर ऐसे लिख लो ए ओ डी का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 इंटू ए ओ इंटू क्या हो जाएगा ओ डी, ए ओ और ओ डी, मतलब तो आप जान ही रहे हो कि लंबाई और क्या होता है चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो मित्रों 1/2 हो जाएगा ये, ए ओ डी का मतलब आप जानते हो क्या होगा, ध्यान देना ये हो जाएगा 4×4, क्योंकि भाई अगर ये 4 है तो इधर भी 4 ही होगा, और इस तरह से अगर इसको लगाओगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आया 8। अब जरा गौर से देखना, कह रहा था कि इसका जो है
क्षेत्रफल निकालिए पहले तो। पूरे फिगर का क्षेत्रफल, और दूसरी बात इसमें दूसरा विकर्ण भी निकालना है। तो मित्रों अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो एक त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आ गया, तो इसमें चार त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो इसलिए चार त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसलिए चार त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जब एक का 8 आ रहा है तो चार का कितना हो जाएगा, 4×8=32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चार का कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। आगे देखना अब क्या होता है, इतना नोट कर लो। अभी तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आया है, अभी तो एक त्रिभुज का आया था, फिर चारों त्रिभुज का आ गया। समचतुर्भुज का सूत्र अलग होता है, इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए रोक करके, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी करें। हो गया ना इतना, चलो ठीक है। देखो क्लास छोटी हो या बड़ी, इससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आता है कि नहीं इससे मतलब होता है। तो साथियों ध्यान देना, बस क्वेश्चन आपका हम मिटा दिए हैं, आप इसको पीछे करके देख लेना अगर क्वेश्चन आपको लिखना है तो। वीडियो तो आगे पीछे करना जानते हो ना सभी, हाँ, तो वीडियो पीछे करके फिर से क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन कहीं गया नहीं मिटा दिया मैंने तो, आप फिर से देख सकते हो। और वीडियो को डाउनलोड कतई ना करें, क्लास को तुरंत लाइक कर दें अगर अगली क्लास भी देखना है तो, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो तुरंत लाइक करें, देर ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला ध्यान देना। यहाँ से अब हमको क्या करना है, विकर्ण निकालना है। इसमें कुछ दिया भी है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? हाँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, वैसे तो ये फार्मूला होता है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण और गुणा दूसरा विकर्ण। लेकिन अभी आपने देखा था जो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया था, 32 आया था ना, तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ही तो इसका क्षेत्रफल था, और इसकी एक भुजा क्या थी, 8 थी, तो दूसरी भुजा भी निकालना था। यहाँ से आप निकालोगे 32 और ये कट जाएगा, 2×8, इधर 4 गुणा में रहेगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा, d2, यानी कि 8 इक्वल क्या आया, d2। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि उसका जो विकर्ण है 8 सेंटीमीटर ही था, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर थे, और वो त्रिभुज क्या था, समचतुर्भुज था, माफ करिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपने सीख लिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। इसके बाद इसमें से आपको दो होमवर्क हैं, उनको भी हम देंगे आपको, उसको जरूर लिखना, और एक बड़ा सा सवाल है उसको हम आपको लिखवा रहे हैं, उसको भी नोट कर लो जल्दी से, तुरंत इसी में लगे हाथ, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका रोक करके। अगला क्वेश्चन नोट कर लो ध्यान से, देखो थोड़ा जूम कर देते हैं, क्या कह रहा है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है, इस खेत की नदी के साथ लगने वाली भुजा सड़क के साथ लगने वाली भुजा की दोगुनी है, यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ लगने वाली भुजा की दूरी या लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, कहीं भाग के मत जाना, समझ में आने की पूरी गारंटी होगी, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। देखिए साथियों क्या कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कहीं कहीं सड़क होती है, और जैसे ऐसे ऐसे सड़क गई है, मान लो सड़क है, ध्यान देना, ये मान लो सड़क है, तो इधर साइड को ट्रेन भी जाती है, देखा है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखा दें, फाफामऊ प्रयागराज में आप ये गंगा ब्रिज के पहले देख सकते हैं, इधर साइड से ट्रेन जाती है, ऐसे पटरी है, और इधर वो भी इलाहाबाद को ही जाती है, और इधर साइड में वो रोड है, इस पर से हाईवे से बस जाती है, फाफामऊ प्रयागराज में दृश्य आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके यहाँ भी ऐसा दृश्य है तो। कुछ वैसे ही इसमें कह रहा है, क्या है, कह रहा कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है,
इस खेत की नदी के साथ लगने वाली भुजा सड़क के साथ लगने वाली भुजा की दोगुनी है। मतलब समलंब तो आप जानते हो ना, समलंब का मतलब क्या होता है पता है आपको, इसके फिगर के बारे में अच्छे से जानते हो। तो कह क्या रहा साथियों, कह रहा कि जो भुजा नदी के साथ लगती है, ये जैसे मान लो क्या है पहला, ये सड़क के साथ लग रही, क्या है सड़क के साथ, ध्यान देना। और ये क्या लग रही नदी के साथ, ये नदी के साथ लग रही और ये सड़क के साथ लग रही, ध्यान देना। कह रहा कि जो नदी के साथ लगने वाली भुजा है, क्या नदी के साथ लगने वाली भुजा सड़क के साथ लगने वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है, कौन दोगुनी है, नदी के साथ लगने वाली दोगुनी है। तो ये जो सड़क के साथ लग रही है छोटी है, मान लो यक्स है, तो ये कितना होगी, 2x होगी, मतलब ये इतना, ध्यान देना, वो यक्स है तो वो क्या होगी, 2x होगी। अब आगे क्या होगा देखना, अब आप लिखोगे, लिखो माना सड़क के साथ लगने वाली भुजा की लंबाई बराबर यक्स, माना सड़क के साथ लगने वाली भुजा की लंबाई बराबर यक्स, क्या है, मीटर। अब नीचे लिखो सड़क के साथ लगने वाली भुजा की लंबाई हो गई, ठीक है। कह रहा कि और लंबाई में दोगुनी है, कौन दोगुनी है, नदी के साथ। अब इधर लिखो नदी के साथ लगने वाली भुजा कितना होगी, वो यक्स ही थी, ये क्या होगी, 2x होगी, ठीक। आगे क्या होता है देखना, प्रश्नानुसार समलंब के आकार का क्षेत्र, जो खेत है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। नोट करो जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए, सोल्यूशन मिटाएंगे हम, क्योंकि जगह नहीं है, जल्दी करें। हो गया, अब देखिए क्या होता है, अभी जो नहीं हुआ देखना वो भी हो जाएगा। साथियों ये सवाल जो है मिटा दें अगर, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हमने क्या माना, माना सड़क के साथ लगने वाली भुजा यक्स और नदी के साथ लगने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि उसकी दोगुना हो जाएगी, यही तो कह रहा था कि कुछ और। अब देखो मतलब समझना, यहाँ पर करना क्या है, अब प्रश्नानुसार समलंब के आकार का, आकार के खेत का क्षेत्रफल लिखो, क्योंकि हमें उसी का क्षेत्रफल निकालना है जो अभी आपने पढ़ा है, लेकिन लिखना ऐसे ही है, लिखो जल्दी से समलंब के आधार का, समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल, क्या होता है पता है, 1/2, और वही दोनों भुजा जोड़ देंगे, 1x और 1 2x, और इनटू ऊंचाई कितना थी, 100 थी, इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 और 3x गुणा ही हो जाएगा 100, कट जाएगा 50 आएगा, कितना आ गया, 150x। अब क्या करोगे, देखिए साथियों x की तो वैल्यू निकालना था ना, x की वैल्यू निकालना था, यहाँ पर अगर आप गौर करो तो इसका क्षेत्रफल दिया गया था 10,500, ये 10,500, ठीक, ये क्या था, 10,500, तो ये 10,500 बटा 150 बराबर यक्स, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 सत्ते 105, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 70, कितना आया, 70 मीटर। यानी कि अब आप कह सकते हो कि वो भुजा जो नदी के साथ लगती थी उसकी लंबाई कितना थी, 70 मीटर थी, बाकी दूसरी वाली कितना थी, अभी पहले निकाला था आपने, देखा होगा
तो कैसे लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना जिससे आपको अगला पार्ट भी मिल सके। 11.2 लगभग ख़त्म हो गया पूरा। इसमें कुछ होमवर्क हैं जो कि हम आपको दिखा देंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। कक्षा 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 11.2 ज़रूर देखना। चलते हैं फिर, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।